प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं तारिक हफीज। नाजरीन, मुआशरे में कत्लो गारत गरी की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं। बहुत सी वजूहात तो मालूम नहीं हो सकती, लेकिन बहुत से कत्ल सिर्फ लड़की या गैरत के नाम पर किए जाते हैं। मकतूल के वालिद को इस बात का इल्म नहीं था कि उसके जमा साला बेटे को किस बात की सजा दी गई और उसे क्यों कत्ल किया गया, लेकिन वजह बाद में सामने आई। मैं दिलदार मसीह, मेरा नाम है हल्द सरदार मसीह, ते मेरे बेटे ना खुरम ने, मैं ते रक्षा ते खलोता सी, उन्होंने मैनू अग अचानक ही मिले ने, उन्होंने कहा यार मेरा बड़ा रौला पिया है, तो पता लगा कि उत्थे की होया कि पता नहीं फायर वज की होया, गए देखो तो उन्हें कोल फ्लैटा च गए हैं, अगो देखा तो मेरे बेटा ना वो पिया अंदर कमरे च, हम देखा तो उन्होंने गोलियां बजे ने, ये पता लगा कि मामे का बेटा मार गया, तो कोई साड़ी उन्होंने दुश्मनी सी लेकिन इन्ना ऐसी खार बाजी खाता सी। वजूहात में ये वजह सामने आई कि नोमान और खुरम यानी कातिल और मकतूल दोनों एक ही लड़की को चाहते थे। वो रिश्ते बारे खांदा सी खार, वो ना मांगदे सी रिश्ता कुड़ी दा, अपनी दूजी भैन को अगो ये गल कही कि असी रिश्ता तेनू नहीं देना, तो असी अपनी खालन दे देंगे, तो वो साढ़े मुंडे ने जो बुलाया उन्हें पूछा उन्हों के भी तू ये क्यों कर दिया, तू मैं बुला के तो इस तरह पैर मेरे रखे ही, तो मेरे तो दिल च ना मेरा माँ प्यो नहीं राजी, मेरा प्यो नहीं राजी, माँ नहीं राजी, तो तू ये क्यों मेरे ते इंज कर दिया। उन्हें कहा तेनू सुनिया कि तू बड़े इंज करना, ये करना, वो करना, तो उन्हें फैर मारता। उन्हें अगली गल नहीं पूछी, वह अठा सत्तां दिनों पहले उन्होंने माँ प्यो ने कह गया कि मैं नुमान मार देना जी, हूँ यह नहीं पता मोजर कितों लिया से, नहीं पता कमरा किंदा सी, इस चीज़ का नहीं पता, इन्ना मैं पता कि उत्थे मुखबरी करता है, हर बंदे लैके फड़ा फड़ू दिता सी थाने इसे जी लियाकता बाद, ये नहीं पता सर, जे पता हो असी आप कह दी क्या होया बंदे को करता, जे तो इन्ना पता थाने कहते कि सरकारी बंदा बनया है, माँ प्यो का यही कहता ही थाने लगा साहब के नाले, नहीं पता हूँ साहब नू कि लवाया माँ प्यो ने, शनाख्ती कार्ड कोल हो फिर ही बंदा लगता नौकरी, लेकिन उन्हें भी नहीं पता सानू, उन्हें माँ प्यो ने लवाया ये सानू नहीं पता, लेकिन माँ प्यो कह के गया कि मैं नुमान मार देना जी। पहले कॉल की सू कि मेरे को आदरा काक बह के रोटी पानी खाइए, आप गया पहले रिक्शा मेरा मुंडा स्टार्ट कर दिया, रिक्शा नहीं मोटरसाइकिल गया, मोटरसाइकिल फिर जाके एक मुंडा यार लिया सू तो उन्होंने लैके चला गया, ये थाने उस कमरा उन्होंने मिले है, तो उत्थे इन्हें काम किया, पानी पिया सू, पानी पिया के पहले गल सुनी, उन्हें कहा जब मेरा माँ प्यो नहीं राजी जब मैं नहीं राजी तू, मैं अपने दिलों कहना कि मैं चाहता ही नहीं ना फोन करना, तो मेरे जिथे मर्जी करे न सानू नहीं चीज़ की दबा, तो उन्हें इन्नी गल की उन्होंने फैर मारते। डेड बॉडी तिकर भी असं गए तो बड़े परेशानी हो के मिन्नत तल्या करके तो भी सानू मिली है, हूँ यह भी नहीं पता, पहले कहते दोवें फड़ीचे ने भी, हूँ सानू एक भी नहीं पता कि फड़ीचे ने कि कितने ने। नुमान की वालदा का कहना था कि वो नुमान को बार बार फोन करती रही, उसकी ममता परेशान रही कि न जाने नुमान किस हाल में है, उसे बार बार फोन भी किया लेकिन नुमान से कोई राबता ना हो सका। मैं नुमान की वालदा हूँ, मैनू नहीं पता मेरे बेटे ने ना फोन करके मेरे भतीजे ने बुलाया तो की सोच सी की इरादा सी, मैनू नहीं इस चीज़ का पता, मैं घर अपने बेटे ने फोन कर रही हूँ, फोन मेरा बेटा नहीं चुक रहा, पता नहीं उन्हें बुलाया कि उसके दिल च की सी की नहीं,
लेकिन घर असी बैठे फोन कर रहे हैं, साड़ा फोन नहीं चुक रहा। सानू बड़ी टेंशन हो रही है, मतलब बड़ी दुआ कर रही हैं, लेकिन मेरी कोई मैनू बाहरों खबर नहीं मिल रही। थोड़ी देर बाद बच्चे आए ने, उन्हें पूछया कि नुमान आंटी जी कित्थे। मैं नुमान नू कह रही हाँ उन्होंने कि नुमान का मैनू भी नहीं पता ना, नुमान फोन चुक रहा है। तो उन्होंने बच्चों ने पूछे वड्डा भाई स्टीफन कित्थे वे, मैं कह स्टीफन भी नहीं घर है। वो फिर इन्होंने अबू नू फोन करके कह कि स्टीफन भाई फोन असल नुमान साड़ा फोन नहीं चुक रहा, तो तुसी पता करो क्यों नहीं चुक रहा, की मसला है। थोड़ी देर बाद पता चलिया कि जी फायरिंग हुई है। यह कह रहे हैं कि जी दो बच्चों गोलियां लगियां ने, एक जान तो ही मर गया, तो एक बच गया, तो होस्पिटल है। तो सानू नहीं पहले पता चलिया कि नुमान की डैथ हो गई सी। फिर वो बड़े भाई अबू गए ने, सारे गए ने, फिर सानू पता चलिया कि नुमान की डैथ हो गई है। तो उस तो बाद डैथ तो बाद पता चलिया कि जी मेरे भतीजे ने उन्होंने मार के घर चला गया। घर जा के कहिंदा मार आया मैं उन्हों, मेरे पता नहीं भाभी ने भाई ने जो भी घर ने उन्होंने कहिंदा मैं नुमान नू मार आया वा, कज़न नू मार आया वा। मैं मारा तो अपनी ला उपर छत ते जाके अपनी लत च आप ही फायर मार के कहिंदा कि मैनू किसी ने हरे कज़न ने मारिया कि किस तरह कुछ किया उन्हें। फिर पता नहीं होस्पिटल किस तरह हो गया, मैनू इस चीज़ का नहीं पता। तो लेकिन जिहड़े सी बच्चे दा दूसरे नू गोली लगी सी उनका राती असी पता करके आए हाँ। उन्हें दस्या है कि पहले उन्होंने नुमान नू जानो ही मार दिता है, तो बाद च उन्होंने मेरे वेले आया तो मैं अगों मतलब अगे कुर्सी की है, तो थोड़ी मेरी बचत हो गई। गोली कुर्सी चो लंघ के मेरे लगी है। तो नुमान का जदों उन्हें पता चलिया कि नुमान उन्हें फायर किया, तो नुमान की कोई चीज़ फटी है, वो बड़ी आवाज़ आई है, लेकिन मैनू उस वक्त समझ नहीं आई, मैं उन्होंने नहीं देखन गया। बाद चो उन्हें मैनू फायर मार दिया। तो आंटी जी मैं नुमान वालों बड़ा परेशान हाँ, तो मैं उन्होंने बच्चे तसली दी है कि मैं नहीं उन्होंने दसिया कि उसकी डैथ हो गई है, लेकिन उन्होंने पता चल गया उस बच्चे। तो मैं उन्होंने तसली दी, सारे ने कहा कि उसकी भी जान खतरे जे, तो तुम बाजी उन्होंने बच्चे तसली देनी कि उसकी जिंदगी चलो वो तो जान चली गई, इनू जिंदगी अल्लाह ताला दवे। तो असी नहीं चाहते कि देखो बच्चे ठीक है उन्होंने लगी है, उनकी खुदा वालों वधी सी बच गया, यदि डैथ हो गई है, लेकिन मैनू मेरा इंसाफ चाहिए। भावें मेरा भतीजा, मेरा भतीजा खत्म उस दिन हो गया जिस दिन उन्हें मेरा बेटा मार दिता। मैनू मेरा इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे नू मारिया सू उन्हें भी सज़ा होनी चाहिए, उन्हें भी सज़ाए मौत हो गई। बहुत अच्छा सी, बोलता ही नहीं सी, आना खाना मसलन देना, पानी खुद ही पी लेंदा सी, कदी असी होना कोल देना, ते नहीं कदी उन्हें लड़ाई की, नहीं झगड़ा, नहीं उच्ची बोलना, मोबाइल च ही लगा रहिंदा सी ज़्यादा, इन्ना नहीं सी, गेमां गुमां खेलता रहिंदा सी, कदी उच्ची बोलिया भी नहीं सी, बस इस तरह ही सी। मेरा भी दिल लगाई रखना कि मामा परेशान होती है, मेरी बड़ी फिक्र करता सी कि मेरी मामा बीमार हो गई, तो मैं नहीं बर्दाश्त करता सी कि मैंने कुछ हुंदा सी, छेड़दा रहना हर वक्त, बस ऐ सी। जिस दिन गया मेरे उस दिन मैं उन्हें देखिया तक नहीं, उसकी शक्ल भी नहीं देखी, दूसरे दिन देखी जिदन उसकी डैथ आई, बॉडी आई दूसरे दिन देखिया। बस मैनू मेरा बेटा इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे की जान चली गई है, मैनू ओदी भी जान चली जाए, मैनू कोई दुख नहीं, क्योंकि मैं गलत नहीं, क्योंकि उन्हें मेरे बेटे की जान ली है, उन्होंने भी सजाए मौत होनी चाहिए। नहीं जी पुलिस का तो कोई अता पता ही नहीं, ना कोई मैनू किसी चीज़ का नहीं ज़्यादा पता, तो लेकिन असी उस दिन अपनी इस उलझन ची उलझे हाँ, सानू किसी चीज़ का नहीं पता की हो रहा बार की नहीं हो रहा, बस मेरे बेटे ने इंसाफ चाहिए।
ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਖਾਲਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਮਸਲਨ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਉਲਝਣਾਂ 'ਚ ਫਸਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੋ ਨਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਨਮਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੱਖ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਣੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਆਉਣੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਣੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਕਤੂਲ ਨੁਮਾਨ ਕੀ ਬਹਿਨ ਕਾ ਕਹਿਣਾ ਥਾ ਕਿ ਖੁਰਮ ਜੋ ਕਿ ਉਸਕੇ ਮਾਮੂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨੁਮਾਨ ਕੋ ਮਿਲਨੇ ਕਾ ਕਹਿਤਾ ਰਹਾ ਔਰ ਗੁਜ਼ਿਸ਼ਤਾ 3-4 ਮਾਹ ਸੇ ਨੁਮਾਨ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਕਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕਰ ਖੁਰਮ ਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਖੁਰਮ ਕੇ ਬੁਲਾਨੇ ਪਰ ਉਸਕੋ ਮਿਲਨੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰੀਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਨੁਮਾਨ, ਉਹ 3 ਮਾਹ ਸੇ ਇਸਕੇ ਪੀਛੇ ਪੜਾ ਹੁਆ ਥਾ ਔਰ ਯੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹਾ ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋ ਕਾਮ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਥਾ, ਤੋ ਉਸਕੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਭੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਤਾ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਵੋ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ਥਾ। ਮਕਤੂਲ ਨੁਮਾਨ ਕੀ ਬਹਿਨ ਕਾ ਯੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਥਾ ਕਿ ਖੁਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਮੇਂ ਨੁਮਾਨ ਕੋ ਮਾਰਨੇ ਕੀ ਮੁਤਾਅਦਦ ਬਾਰ ਬਾਤ ਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਰਮ ਕੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਨੁਮਾਨ ਕੇ ਵਾਲਦੈਨ ਕੋ ਕੁਛ ਨਾ ਬਤਾਇਆ। ਹਮਨੇ ਉਸਸੇ ਬਾਤ ਕੀ ਕਿ ਜੋ ਦਿਲ ਮੇਂ ਬਾਤ ਹੈ ਹਮੇਂ ਬਤਾਓ, ਵੋ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਕਭੀ ਬਤਾਈ। ਇਸਨੇ ਉਸਕੋ ਬਹਾਨੇ ਸੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਸਨੇ ਉਸਕੋ ਬੜੀ ਦਫਾ ਐਸਾ ਕੀਆ, ਉਸ ਪੇ ਬਨਵੀਲਿੰਗਾ ਐਸਾ ਕੇਸ ਵੀ ਬਨਵਾ ਕੇ ਉਸਕੋ ਲੈਨੇ ਜਾਤਾ ਥਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੇਂ ਬੁਲਾਤਾ ਥਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਸਨੇ ਕਰਨਾ ਥਾ ਔਰ ਘਰ ਵਾਲੋਂ ਕਿਸਨੇ ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਬਤਾਇਆ ਹੁਆ ਥਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਇਸਕੋ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਹਮੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਤਾਇਆ। ਨੁਮਾਨ ਔਰ ਖੁਰਮ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਟਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਥੀ ਔਰ ਉਸਕੀ ਬਹਿਨ ਕਾ ਕਹਿਣਾ ਥਾ ਕਿ ਨੁਮਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਵਾਜ਼ੇ ਲਫ਼ਜ਼ੋਂ ਮੇਂ ਖੁਰਮ ਕੋ ਯੇ ਬਤਾ ਦਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਲੜਕੀ ਕੇ ਸਾਥ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੇ ਪਰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਔਰ ਖੁਰਮ ਉਸ ਲੜਕੀ ਕੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜ ਕਰ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਪੱਕੀ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜਬ ਬੁਲਾਇਆ ਤਬ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਝੇ ਬਾਈ ਸਟੀਫਨ ਕਾ ਬਤਾ, ਮੈਨੇ ਕਾ ਪੁਰਸ਼ਕਾ ਪੁਰਸ਼ਕੇ ਪੇ ਹੋਗਾ, ਵੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁਆ, ਵੋ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਬਾਈਕ ਪੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਾਈਕ ਪੇ ਗਿਆ, ਵੋ ਉਸਕੋ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਘਰ ਬਿਠਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਸਨੇ ਬਤਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਕੋ ਪਸੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰਨੇ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲੇ। ਉਸਨੇ ਕਭੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੇ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦੋ। ਉਸਨੇ ਕਭੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਬਤਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਐਸੀ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਾ, ਅਗਰ ਉਸਕੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਪੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੋ ਦੇਖਤਾ ਹੀ ਵੋ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਾਰ ਬਹਿਣ ਭਾਈਓ ਕੇ ਸਾਥ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਤਾ ਥਾ ਔਰ ਕਿਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਥਾ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਕਰ ਵੀ ਦੇਤਾ ਥਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਸਕੀ ਬਾਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਤਾ ਥਾ, ਕਿਸੀ ਕੋ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਬੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਸੇ ਮਾਰਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਉਸਕਾ ਵੀ ਐਸੇ ਕਤਲ ਹੋ ਕੇ ਵੋ ਮੌਤ ਮਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸਕੋ ਮੌਤ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਮਕਤੂਲ ਨੁਮਾਨ ਕੀ ਬਹਿਨ ਕਾ ਕਹਿਣਾ ਥਾ ਕਿ ਉਸਕਾ ਭਾਈ ਉਨਸੇ ਬਿਛੜ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕਰ ਦੁਹਾਈ ਦੀ ਔਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਮਿੰਨਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕੋ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਔਰ ਐਸਾ ਉਸਕਾ ਹਾਲ ਕਰੇ, ਮੌਤ ਨਾ ਉਸਕੋ ਮਿਲੇ ਔਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੜਪੇ ਜੈਸੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ।
बड़ा मुझसे प्यार करता था। मैंने जो कहना उसने करना है, मेरी कभी उसने बात नहीं टाली। मैंने जो उसको कहना है वो उसने करना है, गलत काम भी वो नहीं करता था। मैंने उसको समझाना है, उसने फौरन टाइम समझ जाना है। मेरे कज़न की जो माँ थी उसको पूरी सपोर्ट देती थी, उससे शुरू से ही बहुत ज़्यादा खफा रहते थे। उसको शुरू से ही उस पर बहुत ज़्यादा था कि मैं उसको कुछ ना कुछ कर दूँ रिश्ते की वजह से। लेकिन मेरा भाई किसी को कुछ नहीं बताता, तो उसका ऐसा कोई भी किसी के जहन में नहीं था कि मैं मुझे ये लड़की पसंद है, मैंने ये करना है। वो ड्रामे देखता और गेमें खेलता रहता था। हर ख्वाहिश उसने हमारी पूरी की है, मजाक करता रहता है। और मेरी यही सब बहन भाइयों से दरख्वास्त है, मसीहियों से, मुसलमानों से, कि मेरे भाई को इंसाफ दे।